जी, तो मेरे आज के सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। मैंने बस बेडशीट अभी चेंज की है, उसके साथ मैंने सारी डस्टिंग की है और बर्तन धो लिए। उसके साथ मैं आपको ये दिखाऊं कि बाहर काफ़ी सारे मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए, काफ़ी सारे कपड़े वॉश हो गए हैं और आज काफ़ी अच्छी और तेज़ धूप निकली हुई है। सही अच्छी वाली धूप निकली है बहुत अरसे बाद। तो बस इतने ही मैंने कपड़े धोए हैं जो डेली के थे, और आज मेरा थोड़ा सा धूप तेज़ थी तो दिल चाह रहा था लाइट कलर की बेडशीट डालूं, तो मैंने लाइट कलर की बेडशीट डाली है। और इसके बाद ना पहले मैं कुछ बना लूं अपने पीने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता किया था। तो फिर मैं आपको गर्मियों के कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने देने हैं आज टेलर को। ये मैंने तो स्लिंग किया है जो उस दिन लिया था, बाकी मैं भी आपको दिखाती हूँ डिटेल में, लेकिन पहले कुछ बना लेते हैं पीने के लिए क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ। काम हो गए हैं, बर्तन भी वॉश हो गए हैं, बर्तन भी ऑलमोस्ट सारे वॉश हो गए हैं। ये जगह भी सारी क्लीन हो गई है, बस ये ड्राई होंगे तो इनको मैं इनकी जगह पर रख दूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ। जी, तो गेस कर लिया होगा आपने कि मैं क्या बना रही हूँ। और आज ना इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, अंदर हीटर मैंने चलाया हुआ है और बाहर पहाड़ी इलाके की जो धूप होती है वो इतनी लगती है। और मैं सुबह से ही ना नाश्ते के बाद से ही मुसलसल काम कर रही हूँ, और अभी बस मेरा दिल चाह रहा था कुछ ऐसा पीने को, कुछ जूस वगैरह तो मैं नहीं ले रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ लस्सी या इस टाइप का बनाया जाए। स्ट्रॉबेरीज मेरे पास पड़ी थी फ्रीज़र में, तो मैंने जो है स्ट्रॉबेरी लस्सी बना ली है। और 2-3 चम्मच मैं डालूंगी फ्रेश दही के, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। पानी मैंने काफ़ी सारा डाला है और स्ट्रॉबेरी का अपना भी पानी है, तो बस अभी मैं इसको ब्लेंड करूंगी और मज़ेदार सी अपनी लस्सी इंजॉय करती हूँ। फिर मैं दिखाती हूँ आपको जो घर के मेरे कपड़े हैं वो मैंने अभी देने हैं टेलर को, तो वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ सारे। तो ये कुछ कपड़े हैं, मैं एक्चुअली अम्मी आ गई थी तो इसलिए थोड़े से लेट हो गए आपको दिखाने। ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने निकाले और मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको टेलर को दे दूँ। तो एक मैंने ये देना है, ये मैंने खाड़ी से लिया था, ये बहुत प्यारा सिल्क है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी स्टिचिंग करा लूँ, बहुत प्यारा है, डिजिटल प्रिंट में है और ये मैंने आपको पहले दिखाया भी था, बहुत खूबसूरत है, आप ये देखिए। तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं दे दूँ,
इसमें मैंने कुछ कपड़े अलग किए हैं उसके साथ। ये ब्लू वाला तो मैंने आपको दिखाया है जो मैं अभी लेकर आई हूँ, ये भी, और ये बहुत प्यारा टू पीस है। इसका प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगता है तो मैं सिलवा लूँ घर में पहनने के लिए ना। इस तरह के टू पीस बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये रेड के साथ है, रेड कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं काफ़ी रेड पहनती हूँ। तो ये भी मैं सोच रही हूँ मैं दे दूँ। और ये मैंने टू पीस लिया था घर में पहनने के लिए, बहुत प्यारा है ये, मुझे इसके कलर्स बहुत अच्छे लगे थे। लोकल शॉप से मैंने लिया था, मैं घर में पहनने के लिए मोस्टली ऐसे कपड़े ले लेती हूँ। ये मैंने देना है टेलर को। और ये मैंने लिया था खाड़ी से, टू पीस लिया था। तो ये मैंने ओपन भी करके नहीं देखा, वही जो जब लिया था तो डिस्प्ले में देखा था, अब मैं देख रही हूँ। अच्छा, इसका बॉर्डर बना हुआ इस तरह से, और इसका ट्राउज़र बहुत प्यारा है, देखिए बहुत खूबसूरत सेल्फ प्रिंट में टाइप का बना हुआ है। अब इनको मैंने सब कुछ स्लिंग करना है और ये मैंने लिया था, अभी लिया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। उसके साथ मैंने ये सो कमाल की शर्ट ली थी, बहुत प्यारी शर्ट है ये देखिए, ये मैंने सो कमाल से ली थी और एम्ब्रॉयडर्ड है ये। तो ये भी मैंने इसके साथ अब ट्राउज़र मैच करना है और दुपट्टा मैच करना है, ये भी मैं सोच रही हूँ मैं ईद के लिए सिलवा लूँ। और ये आई थिंक मिड समर का है, इसको मैं ओपन करके देखती हूँ, अगर ये लॉन का हुआ तो मैं दे देती हूँ सिलने के लिए, मिड समर का हुआ तो फिर सोचती हूँ उस पर। और एक ये शर्ट बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये ली थी कहाँ से ली थी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली विज़िट करती हूँ ना लोकल शॉप्स पे भी, ब्रांड पे भी, तो फिर मुझे जो अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। तो ये मुझे चीता प्रिंट और कलर बहुत प्यारा लगा था, इसके साथ भी मैंने ट्राउज़र मैच करना है। पता नहीं लिबर्टी से ली थी, कहाँ से ली थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये वही कपड़ा है वो जो पठानों के पास होता है ना, जो पठान रखते हैं वो, जो लिबर्टी में भी मिलता है उस टाइप का कपड़ा है। उसके साथ ये घर वाले थ्री पीस हैं, ये एक सूट है जो घर वाला, ये भी प्यारा है, जो पेंट टाइप का हुआ हुआ है, इसका कलर बहुत मज़े का, ये भी मैं अभी स्टिच, ये तो मैं खरीदूँगी। ये मुझे दिया था मेरी सास ने दिया था, आंटी ने मुझे दिया था, इसका कलर बहुत, यहाँ पे पता नहीं आ रहा है क्लियर कि नहीं आ रहा। ये आई थिंक इसके बाजू हैं, ये इसका बॉर्डर है और गला बना हुआ है आगे, और इस पे भी ना ऐसे सेल्फ प्रिंट टाइप का हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। तो ये भी मैं बल्कि स्लिंग करने के लिए सोच रही हूँ कि मैं रख दूँ। ये बहुत प्यारा है, इसके साथ ये सी ग्रीन कलर की लॉन भी अच्छी है और कलर भी बड़ा प्यारा है, ठंडा ठंडा। ये वाला मैंने देना है और ये ग्रीन कलर मैंने स्लिंग कर लिया है, एक ये बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर है, ये भी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा ग्रीन कलर है। आजकल मुझे पता नहीं इस तरह के ग्रीन कलर पहनने का बड़ा शौक हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये भी देखें। अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ से हो रहा है उल्टा, आई थिंक उल्टा है ये भी ना। ये आम मैं घर में पहनने के लिए इसी तरह की लॉन लेती हूँ, क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ ना मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं दूसरे ब्रांड्स के कपड़े पहनना। अब ये इतना मुझे प्यारा लग रहा है, इसमें बड़े प्यारे से कलर्स हैं, ऑरेंज भी आ रहा है, ग्रीन है, ये यहाँ पे थोड़ा और ग्रीन लग रहा होगा लेकिन बहुत प्यारा ग्रीन है, फ्रेश ग्रीन सा कलर है, और इसमें ये कलर भी आ रहा है। तो ये भी थ्री पीस है, तो ये तो मैं दूंगी घर में पहनने के लिए, ये कपड़े मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ ना तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं ब्रांड्स के कपड़े पहनूँ या एम्ब्रॉयडरी वाले पहनूँ, मुझसे तो नहीं पहने जाते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो ये मैंने स्लिंग किया हुआ था, इसका ट्राउज़र सिंपल है प्लेन, और ये इसका दुपट्टा है। अभी बाकी और भी काफ़ी कपड़े हैं, लेकिन ये मैं सोच रही हूँ कि मैं दे दूँ टेलर को जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि ना वो फिर स्टिचिंग करने में टाइम लगाएगा, और जब तक वो स्टिचिंग करेगा
तब तक रोज़े तो आ जाने हैं, 15-20 दिन हो जाने हैं। तो अभी मैं इनको देखती हूँ, सोच रही हूँ कुछ कम कर दूँ, तो देखती हूँ एक दो शायद स्किप कर दूँ, वैसे मैंने सारे देने हैं। ये कपड़े तय कर रही थी तो ये एक सूट और भी मुझे नज़र आया, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी मैं सिलवाने लगी हूँ क्योंकि ईद पे मुझे बहुत कपड़े चाहिए होते हैं, मैंने ससुराल जाना होता है, तो ये भी बहुत प्यारा कलर है। और ये जो ब्लू आप देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद नहीं लिया, ये मुझे गिफ्ट मिला था, ये मुझे गिफ्ट मिला है, ये मैंने खुद नहीं लिया। इसकी बैक मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी और फाइन लॉन है और क्रिंकल शिफोन का दुपट्टा है इसका, इसकी बैग बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, लॉन भी अच्छी है और वैसे भी बहुत अच्छी है। और ये ब्लू मैंने खुद नहीं लिया क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि ब्लू शायद आपका फेवरेट कलर है, वैसे मुझे अच्छा लगता है पहनने में, ये वाला ब्लू मैंने खुद लिया था लेकिन ये मुझे गिफ्ट मिला। अच्छा, इसके डिज़ाइन मैं अभी देख रही हूँ इस तरह से है, तो ये भी इनमें एक इंक्लूड है। तो चलें जी, चाय बनाते हैं, फिर देखते हैं कौन से रखने और कौन से देने। अच्छा जी, चाय पीने से पहले ही ना मैंने पालक और मेथी जो मैं मिक्स करके और ब्लेंड करके फ्रीज़ करके रखती हूँ वो, और उसके साथ मैंने मीट निकाल के पानी में भिगो दिया था, क्योंकि जब तक मैं चाय पीऊँगी शाम का टाइम है तो उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएंगे, फिर मैं रात का खाना स्टार्ट करूँगी। और आज मैं पालक गोश्त बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बार शायद मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं मेथी और पालक को मिक्स करके ब्लेंड करके फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो आज मैं रेसिपी तो कोई शो नहीं कर रही हूँ ना शेयर कर रही हूँ, तो बस ऑलमोस्ट मैंने ये बना लिया है और बहुत ही मज़े का बना था, सीरियसली मज़ा आ गया आज खाना खा के। और जो मेरे कपड़े हैं उनके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि वो सिर्फ घर के कपड़े हैं जो मैंने देने हैं, ब्रांड्स के कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, हर ब्रांड के कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं घर में थोड़ी सी कुकिंग करते हुए तंग होती हूँ और डेली कपड़े चेंज होते हैं, तो फिर मैं थोड़े से जो सॉफ़्ट और अच्छी क्वालिटी की लॉन होती है जो लोकल होते हैं मैं वो लेती हूँ। और आपसे बातें करते करते मैंने आटा भी गूंद लिया है अपना, और जो दही है वो भी मैंने निकाल के रख ली है क्योंकि हम लोग पालक साग इन सब के साथ दही ज़रूर खाते हैं। और अब मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड, और कस्टर्ड का भी एक आज मेरे साथ ड्रामा हुआ जो मैं आपको सुनाती हूँ। हुआ कुछ इस तरह के, मैंने फ्रिज में देखा तो थोड़ी सी वनीला कस्टर्ड पड़ी थी, तो मुझे माइंड में ही नहीं आया कि मैंने बड़ा वाला लिया हुआ था डब्बा जो होता है वो लेके रखा हुआ था, तो मैंने समझा शायद मेरे पास यही थोड़ी सी पड़ी है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगती है। तो काफ़ी दिन हो गए मेरे घर में कोई मीठा बना ही नहीं, और हम दोनों वैसे मीठे के शौकीन हैं, चाय में मैं मीठा नहीं पीती हूँ लेकिन वैसे कभी कभार मुझे मीठा अच्छा लगता है खाना, या फिर रात के खाने के बाद थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है। तो मैं जब बनाना मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया जो वनीला कस्टर्ड मेरे पास फ्लेवर पड़ा था, तो जब वो मैंने डाला ना तो मैंने देखा कि दूध तो ज़्यादा है और कस्टर्ड कम है, फिर मैंने सोचा चलो देखूँ, ऐसा तो कभी होता नहीं है कि मेरे पास कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें ख़त्म होने से पहले ही मैं ले आती हूँ। तो जब मैंने देखा तो शुक्र है कि एक बड़ा वाला डब्बा पड़ा था कस्टर्ड का, तो वो मैंने निकाला और वो था बनाना फ्लेवर में, बनाना फ्लेवर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आधा वनीला मिक्स हो गया और आधा मैंने इसमें बनाना मिक्स किया, लेकिन यह है कि इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आया मिक्स हो के, वनीला और बनाना बहुत मज़े के बन गए थे, चीज़ मेरी वेस्ट भी नहीं हुई और बहुत अच्छी कस्टर्ड बन गई थी। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, और जो कोई अचानक से ऐसी रेसिपी बनती है या कोई फ्लेवर आता है तो वो वाकई बड़ा मज़े का आ जाता है। तो कस्टर्ड मेरी रेडी हो गई है और अब मैं
रोटी बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दूंगी। आपको मैं अपने पालक की फ़ाइनल शक्ल भी दिखा देती हूँ और यहाँ पे आपसे इजाज़त भी चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। और पालक बहुत अच्छी बनी थी, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आज आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि फिर मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है तो अच्छा रहता है मेरे लिए। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर जल्दी मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।